नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स, कुछ ऐसे सेटिंग के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स, जो कि उस सेटिंग को आप यूज करके फ्रेंड्स आप बहुत ही हद तक के आप अपना इंटरनेट को बचा सकते हैं। फ्रेंड्स आप जानते नहीं होंगे फ्रेंड्स कि आपके बैकग्राउंड में क्या क्या सेटिंग ऑन रहता है, कौन कौन सेटिंग के ऑन के वजह से आपका नेट फालतू का खत्म होते रहता है फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कौन कौन सा ऐसा सेटिंग है, अगर आप उस सेटिंग को बंद कर देते हैं फ्रेंड्स तो अब बहुत हद तक के फ्रेंड्स आप अपने नेट को बचा सकते हैं, अपना एमबी बचा सकते हैं फिर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन घंटी को जरूर से जरूर दबा दें। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें से बहुत सारे ऐसे सेटिंग होंगे फ्रेंड्स जो कि शायद आपको उनमें से कुछ सेटिंग आपको पता होगा फ्रेंड्स, और शायद उसमें से बहुत सारे ऐसे सेटिंग होगा फ्रेंड्स जो कि आपको शायद पता नहीं होगा फ्रेंड्स। तो इस वजह से फ्रेंड्स आप वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखें फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें फ्रेंड्स। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप अपने मोबाइल के सेटिंग में चले फ्रेंड्स, तो उसके बाद सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देखें, आपको चलता हूं एक सेटिंग में लेकर जो कि आपको पता लग जाएगा कि उससे आपको कितना इंटरनेट फालतू का खत्म होता है फ्रेंड्स। देखिए कनेक्शन एंड शेयरिंग, तो इसको पर आप क्लिक कर दे फ्रेंड्स। यहां पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देखें डाटा यूजेस, तो इसको पर आप क्लिक कर दे फ्रेंड्स। यहां पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे आपको सबसे पहले पता लग जाएगा कि आप किस चीज कौन से एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा इंटरनेट खपत करते हैं। तो देखिए मैं हॉटस्पॉट से ज्यादा खपत करता हूँ, उसके बाद माय सिस्टम अपडेट हुआ है तो उसमें मेरा ज्यादा खपत हुआ है, और उसके बाद टीवी में एयरटेल टीवी में खपत हुआ है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कौन कौन सा एप्लीकेशन है जो कि फालतू का आपका बैकग्राउंड में भी एमबी खत्म होते रहता है फ्रेंड्स। तो मैं देखिए फ्रेंड्स मैं कोई भी ऐप को मैं खोलता हूँ, जैसे कि हेलो ऐप को ही मैं खोलकर आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे हेलो ऐप के खोलने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड डाटा भी है मेरा यूज कर रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देखें मेरा बैकग्राउंड डाटा भी ये यूज कर रहा है, जो कि इसको मेरा बैकग्राउंड डाटा यूज करने से कोई फायदा नहीं, जो कि मैं इसको इस एप्लीकेशन को मैं बंद भी कर देता हूँ तो मेरा बैकग्राउंड में भी ये डाटा यूज होते रहता है फ्रेंड्स। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद मैं बैक जाता हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए मानकर चलिए मेरे को कोई भी जैसा कि फेसबुक है फ्रेंड्स, तो फेसबुक में जो कि देखिए बैकग्राउंड डाटा मेरा ये फालतू का यूज हो रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरह आपके भी मोबाइल में ऐसा ही होगा फ्रेंड्स, जितने भी एप्लीकेशन है जिस समय आप डाउनलोड करते हैं फ्रेंड्स ये सारा का सारा परमिशन ले लेता है फ्रेंड्स। तो आप अपने इस तरह सेटिंग में जाकर इसको बंद कर दे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं बैक। बैक जाने के बाद फ्रेंड्स मानकर चलिए आपको यहाँ पे पता लग गया फ्रेंड्स कि आपका कौन कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो सब चेक कर ले फ्रेंड्स, कि कौन कौन सा ऐसा एप्लीकेशन जो कि आपको बैकग्राउंड में भी एमबी खपत हो रहा है। इस तरह आप चेक कर इस सेटिंग्स की सहायता से भी फ्रेंड्स आपका बहुत हद तक एमबी बचेगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलते हैं बैक। बैक जाने के बाद फ्रेंड्स आपको लेकर चलता हूं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में भी बहुत सारे ऐसा एक सेटिंग है फ्रेंड्स जो कि अगर आपको उसको बंद कर नहीं रखेंगे फ्रेंड्स तो भी ऑटोमेटिक सारा का सारा एप्लीकेशन है कि अपडेट होते रहता है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको प्ले स्टोर में लेकर चलता हूं। प्ले स्टोर में जाने के बाद फ्रेंड्स यहां पे जो थ्री लाइन है फ्रेंड्स, थ्री लाइन के ऊपर आप क्लिक कर दें फ्रेंड्स। थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे सेटिंग में चले फ्रेंड्स। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देखें ऑटो अपडेट, तो इसको पर यहां पे आप क्लिक कर दें फ्रेंड्स। यहां पे ऑटो अपडेट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देखें आपका मान कर चलिए वाईफाई पे है फ्रेंड्स, तो वाईफाई से जैसे ही किसी का कनेक्ट हुआ तो आपका सारा का सारा ये अपडेट हो जाएगा। मान कर चलिए आपका घर का ही मोबाइल है, उससे वाईफाई से कनेक्ट होता है, सारा का सारा अपडेट होगा फ्रेंड्स। और उसके बाद अगर ऊपर आपका सेलेक्ट है तो आपका मोबाइल में जब भी नेट रहेगा तो कोई भी ना कोई एप्लीकेशन ऑटोमेटिक अपडेट उठाते रहेगा फ्रेंड्स। तो यहां पे मैं सबसे नीचे पे करता हूं डू नॉट ऑटो अपडेट, तो इसको पर मैं क्लिक कर देता हूं फ्रेंड्स। तो डू नॉट ऑटो अपडेट पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स तो आप जिस एप्लीकेशन को आप चाहेंगे फ्रेंड्स वही एप्लीकेशन आपका अपडेट करने का मन होगा तो उस एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा, इसमें आपका फालतू का एमबी खत्म नहीं होगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको लेकर चलता हूं फ्रेंड्स यहां पे यूट्यूब में फ्रेंड्स। तो मानकर चलिए देखिए मैं यूट्यूब में आपको लेकर चलूंगा फ्रेंड्स। YouTube में लेके आया हूं जो कि YouTube में भी आप जो वीडियो फ्रेंड्स देखते हैं उसमें भी आपका जो वीडियो क्वालिटी होता है फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत सारे क्वालिटी होते हैं जो कि आप जब तक हाई क्वालिटी में किए रहते हैं फ्रेंड्स, तो इस दौरान भी आपका बहुत ज्यादा हद तक के नेट खाता है फ्रेंड्स। देखिए 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 यहाँ पे जो थ्री डॉट है इसको पर आप क्लिक कर दे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वालिटी पे क्लिक कर दे फ्रेंड्स। क्वालिटी पे फ्रेंड्स क्लिक करने ऑटो पे रखते हैं फ्रेंड्स, तो आपका जितना मतलब की
नेटवर्क रहेगा फ्रेंड्स उतना फास्ट काम करेगा, उतना ही आपका ये जो है नेटवर्क फास्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा आपका नेट खपत होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप इस तरह भी क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स, इसमें भी आपका बहुत से ज़्यादा अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं, अगर आप अपना मोबाइल यूज करते हैं फ्रेंड्स, यूट्यूब पे या किसी भी यूट्यूब हो गया, एयरटेल टीवी हो गया, हॉटस्टार हो गया फ्रेंड्स, ये सब पे भी अगर वीडियो आप देखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर हाई क्वालिटी में देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा नेट खपत होता है फ्रेंड्स। तो अब इस तरह करके रेगुलेशन इसको कम भी कर लीजिएगा, इसको क्वालिटी कम कर दीजिएगा तो बहुत हद तक आपका नेट कम खाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलते हैं व्हाट्सएप में फ्रेंड्स। व्हाट्सएप में भी आपका एक ऐसा सेटिंग है फ्रेंड्स जो कि आप बेफालतू का, जैसे कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप है फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप है फ्रेंड्स, तो उसमें भी क्या होता है कि मान के चलो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है फ्रेंड्स, उसमें आपका क्या होगा कि कोई भी फ्रेंड वीडियो भेजते रहता है या फिर इमेज भेजते रहता है तो सारा का सारा बेफालतू का आपका व्हाट्सएप में ऑटोमेटलोड हो जाता है। जैसे आपका अगर नेट ऑन रहा तो सारा का सारा बेफालतू का लोड हो जाएगा, तो इसमें भी आपका फालतू का बहुत सारा नेट खपत होते रहता है। तो अब व्हाट्सएप में मैं आपको लेकर चलता हूँ वो कौन सा सेटिंग है वो मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे व्हाट्सएप आगे खोलने फ्रेंड्स, व्हाट्सएप खोलने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे थ्री डॉट है फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप क्लिक कर दे फ्रेंड्स। यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सेटिंग में चले फ्रेंड्स। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें डाटा एंड स्टोरेज यूजेस, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दे फ्रेंड्स। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखें जो यूजिंग मोबाइल डाटा है फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर दे फ्रेंड्स। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स मानकर चले आपका मानकर चलिए यहाँ पे आपका सारा का सारा क्लिक है फ्रेंड्स। जैसे कि इसमें जैसे कि मैं सारा क्लिक कर दिया हूँ फ्रेंड्स, तो मैं एक्चुअली मैं पहले तो इसको मैं बंद करके रखता था, मैं अभी भी बंद करके रखा हुआ था, देखे थे फ्रेंड्स। उसके बाद मानकर चलिए आपका व्हाट्सअप में सारा का सारा इस पर क्लिक है फ्रेंड्स, तो आपका कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप में कोई फोटो दिया, आपका नेट ऑन है फ्रेंड्स, तो ये ऑटोमेटिक आपका फोटो लोड हो जाएगा फ्रेंड। मानकर चलो उसमें कोई वॉइस कुछ रिकॉर्ड करके भेजा तो ऑटोमेटिक आपके व्हाट्सअप में ये लोड हो जाएगा फ्रेंड। मानकर चलो आपका कोई वीडियो भेजा व्हाट्सअप ग्रुप में या कोई भी फ्रेंड्स भेजा, उसको बिना देखे ही आपका व्हाट्सएप में ये लोड हो जाएगा फ्रेंड। या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स भेजा फ्रेंड, तो वो भी बिना देखे ही आपका लोड हो जाएगा फ्रेंड। तो इसको ऊपर आप क्लिक कर दें, अनटिक कर दें फ्रेंड। उसके बाद आपके परमिशन बिना जो भी व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया तो आप चाहेंगे तो उसको टिक करेंगे तभी लोड होगा, नहीं टिक करेंगे तो नहीं लोड होगा फ्रेंड। इससे भी आपका बहुत हद तक के डाटा बढ़ जाएगा फ्रेंड। अगर आपका व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप हैं तो अगर आपका ग्रुप में वीडियो इमेज MP3 ये सब आते रहता है तो आप इस सेटिंग को कर लीजिएगा, तब बहुत हद तक के आपका नेट है जो कि कम खपत होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स और उसके बाद मैं आगे लेकर चलता हूँ गूगल फोटो। तो गूगल फोटो में भी फ्रेंड्स एक सेटिंग है जो कि गूगल फोटो में भी मैं आपको एक सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि गूगल फोटो है फ्रेंड्स, गूगल फोटो में आप जाइएगा फ्रेंड्स। गूगल फोटो में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें मैं नो अपडेट कर देता हूँ। गूगल फोटो में आप जाइएगा, उसके बाद थ्री लाइन है फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग में चले। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें बैकअप एंड सिंक, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दे फ्रेंड्स। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें मैं इसको बंद कर देता हूँ, अगर आप में भी चालू है तो इसको बंद कर दीजिएगा। एक्चुअली में इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि जैसे कि आप गूगल फोटो में कोई भी अपना कैमरे से फोटो खींचे फ्रेंड्स या फिर आपका व्हाट्सएप में भी आया तो एक गूगल फोटो है जो कि ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है, इसके ऊपर बैकअप ले लेता है आपके मोबाइल में। मानकर चलिए डिलीट भी हो जाएगा तो आप गूगल फोटो में जाएगा तो आपका सारा का सारा मिल जाएगा फ्रेंड, जो कि आपका जो भी है फोटो कोई मानकर चलिए कोई भी फोटो खींचे या आपका व्हाट्सएप पे फालतू का फालतू इमेज आ रहा है वो सारा का सारा ये कैप्चर कर लेता है फ्रेंड्स। अगर इसको इस तरह ऑन आपके मोबाइल में होगा तो ये भी बहुत हद तक आपका नेट खपत करता है फ्रेंड। तो इस तरह आप इसको भी बंद कर दीजिएगा, गूगल फोटो में ये सेटिंग को भी बंद कर दीजिएगा या फिर गूगल ड्राइव में भी ये सेटिंग सेम ऐसा ही सेटिंग होता है फ्रेंड्स, उसको भी आप बंद कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं, और मेरे को इस कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताएं कि इन सभी सेटिंग में से आपको कौन सा सेटिंग पता था, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।